हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ निस्ता पंचायत में, और निस्ता पंचायत के ये कौन सा मोहल्ला है? वार्ड टू भीरहा टोला में मैं हूँ, और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। इस वक्त पंचायत स्तर पे जो है शिविर लगा हुआ है। ये जो अभी मामला चल रहा है, जमीन का जो मामला चल रहा है, वो चारों तरफ हंगामा पूरे बिहार में मचा हुआ है। एक अलग शोर, एक अलग तरीके का लोगों के अंदर जज्बात उछल रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा? और ये हमारे दानिश भाई है, ये भी उपस्थित है, ये भी हाजिर हमारे इस वीडियो में। और ये है अजीत जी, ये जो मुखिया है इस पंचायत के, निस्ता पंचायत के, उनके साहबजादे हैं। और ये डीलर भी है, काफी फेमस है। और ये उप मुखिया जी है, नाम बताइए। हेकन राम भजौरा। अच्छा अच्छा जी, ये भजौरा से हैं, निस्ता पंचायत के उप मुखिया जी हैं। और दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये भीड़ है, ये एक अलग तरीके का जज्बात जी। और ये वार्ड मेंबर, हाँ। ये देखिए, चार मेंबर वार्ड के, ये वार्ड मेंबर हैं एजाज अहमद साहब। ये बतलाइए आज की भीड़ के बारे में, आज क्यों भीड़ लगी है यहाँ पे, क्यों हलचल मची है? बस जमीन का सर्वे होना है, पूरे बिहार में सर्वे का काम चालू हुआ है। जी जी, उसी के तहत आज हमारे निस्ता पंचायत में शिविर लगा हुआ है, जिनको जो जानकारी लेना है कैसे क्या होगा, कौन सा पेपर लगेगा, कौन सा पेपर देना है, कौन सा नहीं देना है, सब संबंधी जानकारी दी जा रही है। इसीलिए सभी लोग इकट्ठे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये अजीत भाई ये जानकारी देंगे, आज जो ये भीड़ है यहाँ पे इस पंचायत में, क्यों भीड़ है, क्यों लोग इकट्ठा हो गए? निस्ता पंचायत में जो सर्वे का काम होने वाला है, उस संदर्भ में आम सभा का आयोजन किया गया है मुखिया जी के द्वारा। तो उसकी जानकारी पूरी तरह से दिया जाएगा जनता को, इसी के लिए पंचायत में सभा और पंचायत सभा का आयोजन किया गया है। यानी लोगों को जानकारी दी जा रही है इस मीटिंग के जरिए कि किस तरीके से सर्वे के काम को हम आसान बना सकते हैं, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, आसानी से अपने काम को, उस प्रक्रिया को अंजाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। दर्शकों, मैं और भी दिखला रहा हूँ, और भी देख, ये देखिए काफी भीड़ भाड़ है, सब लोग जो है आज जमा हुए हैं सर्वे के काम को लेकर के। पूरे बिहार में हलचल मची हुई है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। ये हैं शादाब बाबू जी। शादाब बाबू, आज के बारे में आप कुछ बतलाएं? मौसम बहुत है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, आज के बारे में बतलाएं। आज जो है ये सर्वे का, मान लीजिए उसके बारे, सर्वे के बारे में समझाएं कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, और हम लोग धूप में खड़े हुए परेशान हो रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए जी। आप दीजिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शाहिद भगवतीपुर जी। बतलाइए आज के बारे में, आज जो यहाँ पे लोग जमा हुए हैं इसके बारे में बतलाया। जमीन का मामला अभी देख रहे हैं, सर्वे का प्रोग्राम चल रहा है, उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं सारे लोग, की मतलब प्रोसेस क्या है इसका, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। यानी ब्लॉक स्तर से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग जानकारी देने के लिए जानकारी दे रहे हैं। आम सभा का बैठक किया गया है, उसमें सभी को जानकारी दे रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, वंशावली कहाँ से बनेगा, पूरा जमीन का कैसे कागजात पेश किया जाएगा। लोगों को समझ में आई आज की बातें? कुछ बातें तो समझ में आई है, कुछ बातें और थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी जी, थोड़ा टाइम लगेगा। सवाल बाकी है, लोगों का और भी सवाल बाकी है जी जी, जिसमें से ज्यादा पब्लिक की वजह से पूछ नहीं पा रहे हैं, सर जो आए हुए वो भी परेशान हो गए। जी जी, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा भीड़ कम हो। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी जी, ये सर आए हुए हैं ब्लॉक से। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएं। मेरा नाम शशांक कुमार प्रेमी है, शायद बंदोबस्त पदाधिकारी। जी जी, एक सेकंड, तो आज के बारे में आप बतलाएं, जो आपने लोगों को जानकारी दी, कहां तक लोगों को आज के बारे में इस जानकारी समझ में आई? मुख्य रूप से हम लोग को ये मुख्य रूप से सर्वे के बारे में सबको अवगत कराना था। ग्राम सभा का मुख्य मुद्दा यही था कि विशेष सर्वेक्षण कार्य जो है यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। जी जी, अब आज से मान लीजिए स्टार्ट डेट मान लेते हैं, तो आज से हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन मौजा में भ्रमण करेंगे, पंचायत भवन हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ बैठेंगे भी बीच में और सबको अवगत कराएंगे, सबको बताएंगे भी कैसे उनको प्रपत्र भरना है और कैसे आगे का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज के ग्राम सभा में जो नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। ग्राम सभा में तो 100-150-200 आदमी आए हैं, लेकिन यहाँ रैयत बहुत सारे होंगे, उनको भी अवगत कराने के लिए हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन मौजा में भ्रमण करेंगे और विशेष सर्वेक्षण के बारे में सबको विस्तृत जानकारी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल द सदर शो पे जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आपने देखा सर ने कितने अच्छे तरीके से लोगों को समझाया। जी, इनसे भी पूछ सकते हैं, ये
जी आप बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रोशन कुमार हुआ। तो आप जो है लोगों को जमीन से रिलेटेड कितनी सुविधा दे सकते हैं, जानकारी मुहैया करा सकते हैं? जो भी लोगों के परेशानी होगा, सवाल होगा, उसका जवाब। आपका क्या विभाग है, जमीनी विभाग में किस स्तर पे आप हैं? हम रोशन कुमार हैं, पंचायत निष्ठा में राजस्व कर्मचारी के पद हैं। जी जी, तो जो भी लोग आपसे संपर्क करेंगे उनका काम आसानी से होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी आपका, हमें हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। देख सकते हैं दर्शकों कितनी भीड़ है, ये सुधीर जी भी हैं, ये लाडले भाई हैं, और ये गुलाब भाई हैं, भगवतीपुर से आए हुए हैं, और ये भी हमारे एक भाई, बहुत इंडिया ट्रेवल्स इनका बहुत ही फेमस है भरवाड़ा बाजार में। दर्शकों आपने देखा, जमीन से रिलेटेड जो भी जानकारी लोगों को मिली, काफी अच्छा लगा, लोगों को काफी जानकारी हुई, सुविधा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल दशाधरेशो को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।